बहनों भाइयों, आज आती है कि आप खड़े होकर खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं, बैठकर करना चाहते हैं, बट आई बिलीव कि खुदा उनके हजूर और इस बड़े काम के लिए हम खड़े रहे तो हाथों को बुलंद करके खुदा की सिताइश करेंगे उस बड़े काम के लिए, उस खूबसूरत तस्वीर के लिए बनाए गए।
जो है मेरे वालिद मोहतरम शफीक अहसन ने लिखी है और वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और जब कोई गजल लिखी जाती है तो वो तशबी देकर लिखी जाती है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो तशबी देकर लिखी जाती है। इसके जो बोल है वो थीम जो है बेसिकली यहूदा इस्करियोती के उस धोखे पर है, उस दगाबाजी पर है जो दिखने में तो वफादारी लग रही थी। तेग, तेग कितने लोग समझते हैं कि तेग क्या चीज होती है? कोई एक या दो बता सकता है तेग? मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह बताता कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गा रहे हैं खुदा के हुजूर। तेग होती है जो नेजा होता है ना, नेजा, उसको कहते हैं तेग। और उसका जो जो पॉइंटेड उसका जो हेड होता है उसके ऊपर लगाया जाता है जहर, क्योंकि जब वो किसी शख्स के अंदर लगता है तो वो जहर एकदम जो है पूरी बॉडी में लग जाता है, ठीक है। और गीतम क्या करे कि वफा की तेग से मारा। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो क्या करता है, क्यों आके क्या करता है, कोई बता सकता है? बोसा लेता है। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है। अगर हमें छोटे बच्चों पर प्यार आता है तो हम क्या करते हैं, बोसा लेते हैं, प्यार करते हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है। अब दिखने में तो वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव शो कर रहा है यहूदा इस्करियोती, लेकिन क्या है कि उस बोसे के बाद यीशु मसीह पकड़वाया जाता है और यहाँ तक कि वो सलीबी मौत उसको सहनी पड़ती है। ये सब कुछ तो प्रोफेसी थी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। वफा की तेग से मारा है बेवफा। लेकिन अब इस दौर में हम क्या करते हैं, उसकी तरह यहूदा की तरह हम भी मसीह को धोखा दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह लोग हैं। बहुत बार हम पैसों की खातिर, छोटी छोटी अमाउंट्स की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसा ही है। इन सब बातों को याद कीजिए, इन सब बातों को, क्योंकि जो यहूदा ने जो किया हम तो सिर्फ उसी को देख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तरफ भी गौर कीजिए। हम मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ बराए नाम मसीह है, फजल मसीह, सुमरान मसीह, फलाम मसीह, फलाम मसीह, या दर हकीकत मसीह है? वफा को बेच दिया तूने चंद दिनारों में, वफा को बेच दिया तूने I'm
अपना गुलशन उजाड़ा है बेवफाओं ने, रगों में जहर उतारा है बेवफाओं ने, वफा की तेल से मारा है बेवफा عزیزو. یہ وہ وقت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے لیکن وہ انسان بن کے آیا اس دنیا میں, اور انسان کیا ہے کہ وہ یہ دکھ درد کو جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے, اور اس کی ایک ماں بھی ہے جو یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے, اور آپ جتنی مدرز یہاں پر بیٹھی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی کہ اس کے بیٹے کو اگر چھوٹی سی بھی چوٹ لگتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. لو وقت آ ہی گیا میری پھر جدائی کا, لو وقت آ ہی گیا میری پھر جدائی کا, لو وقت لگائی ہے ماں کی بانہوں نے, گلے سے لاش لگائی ہے ماں کی بانہوں نے, رگوں میں زہر اتارا ہے بے وفا Bye-bye.